अंबाला पुलिस लगातार अपराधियों पर नकेल कसने का काम कर रही है। एसएचओ महेश नगर ने जानकारी देते हुए बताया कि 10/4/2023 को सूचना मिली थी कि गांव नगले में खेतों में अज्ञात व्यक्ति की डेड बॉडी पड़ी हुई है। मौके पर पुलिस वहां पर पहुंच गई थी और बॉडी को कब्जे में लेकर उसके पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल में भिजवा दिया गया था। बॉडी की शिनाख्त बबियाल में रहने वाले बच्चन के रूप में हुई थी। बच्चन की पत्नी की अजय से 4-5 सालों से दोस्ती थी। बच्चन अपनी पत्नी को रोकता टोकता था, जिस वजह से बच्चन की पत्नी ने अपने प्रेमी संग मिलकर अपने पति बच्चन को जान से मारने की साजिश बनाई और एक खेतों में अपने पति को मौत के घाट उतार दिया था। पुलिस ने मामला दर्ज कर दोनों को हिरासत में ले लिया है। 10/4/2023 को सुबह थाने में सूचना प्राप्त हुई मंगली के खेतों में एक डेड बॉडी अनोन व्यक्ति डेड बॉडी पड़ी है, तो मौके पर पुलिस पहुंच गई थी। बॉडी को कब्जे में लेके पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल में रखवा दिया था। ये डेड बॉडी आइडेंटिफाई हो गई थी जो बच्चन है को बिहार कहने वाला था, जो मंगली में किसी फैक्ट्री में काम करता था, उसकी डेड बॉडी थी। पीछे बिहार तेतरिया उसका रहने वाला था, ये यहाँ पिछले 15-20 साल से मंगली में रहे। इसका अजय नाम है, एक अच्छा बाजार रहने वाला है। इसकी बच्चन की घरवाली और अजय में पिछले 5 साल से आपस में दोस्ती थी, दोनों के रिलेशन थे, तो इसी कारणवश ये बच्चन को रोकता टोकता था, जिस कारण इन्होंने इतना बड़ा स्टेप उठाया। 302-120 BIPC का मुकदमा दर्ज हुआ था, तो इसमें कम से कम 1.5 महीना लगे इसको ट्रेस करते और गिरफ्तार किया। निरंजन वगैरह कुछ नहीं, यही था ये जैसे शराब पी के इसको मार पिटाई करता था इसके साथ, तो ये सेवता थी। 10 तारीख इन्होंने प्लान बनाया मिल के यहीं पर सिविल हॉस्पिटल में आई है, दोनों ने बैठ के इसको रास्ते से टा देंगे। तो शाम को इसी घरवाली ने इसको लोकेशन दी, जैसे काम से वहाँ कच्चे बाजार से चल पड़ा, तो ये पीछे से ऑटो लेके पहले ही वहाँ मंगली के खेतों में गन्ने के खेत थे वहाँ बैठ के छुप के बैठ गया। जैसे ही आया इसको पीछे से वार करके और ये वहाँ से उसकी पत्नी को भी अरेस्ट कर लिया, दोनों ने मिली वक्त करके उसको गिरफ्तार कर लिया। इसकी 35-36 साल की थी। अंबाला पुलिस लगातार अपराधियों पर नकेल कसने का काम कर रही है। एसएचओ महेश नगर ने जानकारी देते हुए बताया कि 10/4/2023 को सूचना मिली थी कि गांव नगले में खेतों में अज्ञात व्यक्ति की डेड बॉडी पड़ी हुई है। मौके पर पुलिस वहां पर पहुंच गई थी और बॉडी को कब्जे में लेकर उसके पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल में भिजवा दिया गया था। बॉडी की शिनाख्त बबियाल में रहने वाले बच्चन के रूप में हुई थी। बच्चन की पत्नी की अजय से 4-5 सालों से दोस्ती थी। बच्चन अपनी पत्नी को रोकता टोकता था, जिस वजह से बच्चन की पत्नी ने अपने प्रेमी संग मिलकर अपने पति बच्चन को जान से मारने की साजिश बनाई और एक खेतों में अपने पति को मौत के घाट उतार दिया था। पुलिस ने मामला दर्ज कर दोनों को हिरासत में ले लिया है। 10/4/2023 को सुबह थाने में सूचना प्राप्त हुई मंगली के खेतों में एक डेड बॉडी अनोन व्यक्ति डेड बॉडी पड़ी है, तो मौके पर पुलिस पहुंच गई थी। बॉडी को कब्जे में लेके पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल में रखवा दिया था। ये डेड बॉडी आइडेंटिफाई हो गई थी जो बच्चन है को बिहार कहने वाला था, जो मंगली में किसी फैक्ट्री में काम करता था, उसकी डेड बॉडी थी। पीछे बिहार तेतरिया उसका रहने वाला था, ये यहाँ पिछले 15-20 साल से मंगली में रहे। इसका अजय नाम है, एक अच्छा बाजार रहने वाला है। इसकी बच्चन की घरवाली और अजय में पिछले 5 साल से आपस में दोस्ती थी, दोनों के रिलेशन थे, तो इसी कारणवश ये बच्चन को रोकता टोकता था, जिस कारण इन्होंने इतना बड़ा स्टेप उठाया। 302-120 BIPC का मुकदमा दर्ज हुआ था, तो इसमें कम से कम 1.5 महीना लगे इसको ट्रेस करते और गिरफ्तार किया। निरंजन वगैरह कुछ नहीं, यही था ये जैसे शराब पी के इसको मार पिटाई करता था इसके साथ, तो ये सेवता थी। 10 तारीख इन्होंने प्लान बनाया मिल के यहीं पर सिविल हॉस्पिटल में आई है, दोनों ने बैठ के इसको रास्ते से टा देंगे। तो शाम को इसी घरवाली ने इसको लोकेशन दी, जैसे काम से वहाँ कच्चे बाजार से चल पड़ा, तो ये पीछे से ऑटो लेके पहले ही वहाँ मंगली के खेतों में गन्ने के खेत थे वहाँ बैठ के छुप के बैठ गया। जैसे ही आया इसको पीछे से वार करके और ये वहाँ से उसकी पत्नी को भी अरेस्ट कर लिया, दोनों ने मिली वक्त करके इसको गिरफ्तार कर लिया। इसकी 35-36 साल की थी।